हेलो एवरीवन, दिस इज सीआरती अग्रवाल फ्रॉम ई फाइलिंग वर्ल्ड। आप सबको पता है कि 2023 खत्म होने वाला है और इसी के साथ आप सबको स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉइज को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। जनरली इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी एचआर डिपार्टमेंट से आपके पास एक मेल आती है जिसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करने होते हैं। साथ ही फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ टीडीएस आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि आप टैक्सेशन की न्यू रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर ओल्ड रिजीम। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी है, तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करते हैं, जहां पर एक सैलरी स्लिप की कैलकुलेशन करके ये देखेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो, और अगर इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखो, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पर आप लॉगिन भी कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे डाउन साइड में जाओ तो आपको इनकम टैक्स का कैलकुलेटर दिखता है, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट आई विल प्रेफर कि आप एक बार वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद में अपने डैशबोर्ड पे आ जाइएगा। जब यहाँ पे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर हो जाता है, जहां पर सबसे पहले आपको देना होगा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन पार्ट। बहुत बेसिक सी डिटेल है, जहां पे असेसमेंट या कौन सा सेलेक्ट करोगे, 24-25, 24-25, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। एज उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। डेट ऑफ सबमिशन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 होगा July 24, और एक्चुअल डेट को भी आप चेंज मत करना। मेन आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो है इनकम डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपकी सैलरी की अगर इनकम है तो आप यहाँ पे अपनी सैलरी की इनकम प्रोवाइड करोगे। अब एक बार सैलरी स्लिप को देख लेते हैं कि सैलरी स्लिप में से कौन सी फिगर्स को आपको यहाँ पर पुट करना है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बेसिक एरियर्स किसी पिछले मंथ के होंगे, यू कैन इग्नोर। एचआरए, एडहॉक अलाउंसेस या अदर अलाउंसेस लाइक मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कुछ भी हो सकता है आपकी सैलरी की रिसीट में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी सैलरी की स्लिप है। फॉर्म 16 में एक्यूमुलेटेड बेसिस पे चीजें मिलती है, बट यहाँ पे आपको 12 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब या तो आप ऐसे कर सकते हो कि अप्रैल से दिसंबर तक की आपके पास स्लिप अगर आ जाती है तो उसका आप कैलकुलेशन कर लो एक्चुअल बेसिस पे, और 3 मंथ्स का एस्टिमेशन बेसिस पे कर लो। सेकंड वे आउट ये हो सकता है कि आप 1 मंथ की सैलरी स्लिप के बेसिस पे 12 मंथ का एस्टिमेशन लगा लीजिए, और उसके बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या फिर न्यू टैक्स रिजीम में। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, बेसिक है आपका 31,500 रुपीज, तो आप यहाँ पे पुट करें 31,500 × 12 करके निकाल लेंगे। एचआरए, बेसिक सैलरी में हमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एचआरए जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, उसमें आपको कुछ एग्जेम्पशन, उसमें आपका एक सर्टेन पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। अब वो कितना एग्जेम्प्ट होता है, इसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपके पास में कैलकुलेटर है। अब वो कैसे करेंगे, अगेन आप इस वेबसाइट पे जाके अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे। यहाँ पर अगेन आपको पुट करना होगा अपना बेसिक सैलरी। अभी हमने कैलकुलेट करा था, बेसिक सैलरी था हमारा 3,78,000 रुपीज का। डी आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं, कमीशन अगर है तो करिए, अदरवाइज नहीं। अब हम निकालते हैं हमें एचआरए कितना रिसीव हो रहा है। यहाँ पे एचआरए है हमारा 15,750 रुपीज का। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 12 मंथ का, जो आता है 1,89,000। अब हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी दे दी है, एचआरए दे दिया है। अब रेंट पे, रेंट आप कितना पे कर रहे हैं वो आप दे लीजिए। यहाँ पे सपोज करिए हम 15,000 रुपीज पर मंथ का अगर आप रेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पर एक्चुअल रेंट पेड आपका आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आप यहाँ पे टिक करोगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक रहने दोगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है कैलकुलेट पर। सो हियर वी गो, यहाँ पर आपका 1,42,200 रुपीज का एचआरए एग्जेम्प्ट हो चुका है, जबकि आपका टैक्सेबल एचआरए है सिर्फ 46,800। अब इस टैक्सेबल एचआरए को आपको अपने एक्चुअल कैलकुलेटर में पुट कर देना है। उसके बाद में आपके अदर अलाउंसेस आ जाते हैं, जो कि है 35,417 के। तो आप 35,417 के बेसिस पे निकाल लेंगे अपने एनुअल अलाउंसेस भी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आपकी टोटल सैलरी कितनी निकल कर आई है, देन इट कम्स टू फॉर 12 मंथ्स अगर हम बात करते हैं 9,92,000 रुपीज, जिसमें से आपका एग्जेम्प्टेड एचआरए है 1,42,200 रुपीज का, जिसमें से आप इसको माइनस कर देंगे और जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपकी हो जाएगी टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी, विच कम्स टू 849,804। इसको हमने यहाँ पे एंटर कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई एग्जेम्पशन होती है अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आपकी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह की, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसको देखने के बाद में अगर आपकी अदर कोई भी इनकम है थ्रू योर हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन या फिर अदर सोर्सेज लाइक सेविंग बैंक अकाउंट की, उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
डिडक्शंस की डिटेल अगर आप यहाँ पे देख, अगर आपका कोई LIC, टैक्सेबल म्यूचुअल फंड, टैक्सेबल FD, NHC वगैरह में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा गया उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक आपका जो मेडिक्लेम हो रखा गया उसकी आप डिटेल यहाँ पे दे देंगे। आपने जो डोनेशंस वगैरह दी, आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ गया, मोस्ट कॉमन अगर आपने कोई भी LIC, PF, PPF, NHC, पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कुछ भी है तो उसकी आप डिटेल यहाँ पे एक बार दे सकते हैं। अच्छा, सैलरी स्लिप में हमें अपना PF दिखा था, तो PF हमारा कितना आ रहा था 1800 रुपीज का, जो आता है 21,600 रुपीज। तो इसको आप यहाँ पे एक बार मेंशन कर सकते हो और यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं एस्टीमेट टैक्स के ऊपर। एंड इट्स दैट सिंपल कि आपका पूरा कैलकुलेशन एज पर ओल्ड टैक्स रेजीम एंड एज पर न्यू टैक्स रेजीम यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गया है। जहां पर अगर आप देखो आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई है, एग्जेम्पशन डिडक्शन सब कुछ आ चुका है और उसके बाद में अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो एज पर ओल्ड टैक्स रेजीम आपका टैक्स बनता है कितना 75,150 रुपीज का। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिज्यूम की बात करती हूँ तो मेरा टैक्स बन रहा है सिर्फ 38,570 रुपीज। सो इट्स अ बिग सेविंग ऑफ टैक्स और इसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेफिनेटली आपको न्यू टैक्स रिज्यूम में जाना है। जबकि अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखते हैं तो एज पर ओल्ड टैक्स रिज्यूम आपकी टोटल इनकम कम बन रही है जबकि न्यू टैक्स रिज्यूम में आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम ज्यादा बन रही है, बट फिर भी आपने जो टैक्स कैलकुलेट किया गया वो कहीं ना कहीं आपका न्यू टैक्स रिजीम में कम आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हैं और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2023 में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट की जो आपको बेनिफिट्स मिलते थे अंडर सेक्शन 80C वो आपको नहीं मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी और इसी के बेसिस पे अब आप चूज कर पाओगे कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।